ACN 24। जांजगीर चांपा जिले के चंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदेरी के रहने वाले महेश राणा के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आधी रात को एसिड से हमला कर दिया गया, जिससे पीड़ित का चेहरा और सर झुलस गया, जिसे 112 की मदद से रायगढ़ के मेकारहारा अस्पताल लाया गया। दरअसल पूरा मामला यह है, जांजगीर जिले के चंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदेरी गांव में एक व्यक्ति पर एसिड से हमला किया गया, जिससे उसका सर और चेहरा झुलस गया। मामले में बताया गया कि महेश कुमार राणा 35 साल, पिता भीम राणा अपनी पत्नी धनमती राणा के साथ बीते रात अपने कमरे में सोया हुआ था। इस दौरान कमरे की खिड़की खुली हुई थी। रात में लगभग 12 बजे के आसपास खिड़की से अज्ञात व्यक्ति द्वारा महेश के चेहरे पर एसिड जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जिससे तेज जलन के कारण उसकी नींद खुल गई। चेहरे और सिर के साथ कंधों पर भी एसिड के छींटे पड़े थे, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाने के लिए पत्नी ने 108 संजीवनी को कॉल किया, लेकिन रात में संजीवनी से कोई मदद नहीं मिली। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार का दावा उस समय बेकार साबित हुआ जब घायल अपनी पत्नी के साथ चंदरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। घायल ने बताया, अस्पताल का दरवाजा तो खुला था, लेकिन यहां कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं मिला। इस दौरान पुलिस की 112 हेल्प वाहन को संपर्क किया गया, जिसके बाद उसी गाड़ी से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। तो सर सोया था, सर था यहाँ से, उसके बाद 12 बजे रात को ना कोई आया, अब देख तो नहीं पाया, आया उन्होंने ऐसे डाल दिया, ऐसे सोया था इसमें डाला। उसके बाद मैं उठा तो कोई गर्म पानी डाल दिया, फिर मैं चिल्लाया पड़ोस में कोई नहीं सुना, तो उसके बाद भाई को फोन लगाया, भाई आया और वो मेरे मोटरसाइकिल लेके हॉस्पिटल गए। 108 में पहले लगे सबसे पहले, वो लोग नहीं उठे। उसके बाद फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में गए तो शटर खुला था, मेन शटर, और सब दरवाजा बंद था, चिल्लाया वहाँ और सब अंदर से बंद लिया। डॉक्टर से भी कोई नहीं सुना। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ 112 में आए। रायगढ़ से सुचित कौर की रिपोर्ट, ACN 24।